लेकिन मैं फुल पिट के आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार बैलेनर को लेके जाया जाए। तो इसीलिए अभी फिलहाल मैं बैलेनर को समन करने वाला हूँ और उसके साथ तगड़ा फाइट भी होने वाला है। फिर हम लोग बैलेनर को लेके जाने वाले हैं फ्रॉस्टिलियन को पकड़ने। मैंने अभी तक बैलेनर को नहीं बुलाया तो मुझे पता नहीं है इसमें से कौन सा पोकेमन आने वाला है। तो ये वाला बैलेनर ये तो नॉर्मल टाइप होगा आई थिंक, एंड ये वाला जो बैलेनर आने वाला है ना आई थिंक ईपिक वाला होने वाला है। तो पहले नॉर्मल टाइप बुलाते हैं, उसके बाद हम लोग ईपिक टाइप बुलाने वाले हैं। तो पहले इसको फटाफट से मैं प्रोडक्शन में लगा देता हूँ। कौन आ रहे काम कर रहे, जल्द से जल्दी कोई आ जाओ यार। अपना एनुबिस कहाँ पे गया, एनुबिस को ढूंढना पड़ेगा। एनुबिस आई थिंक मैंने इसको लगाया नहीं अभी तक। देखो अभी बेस में एक ही एनुबिस है ना। एक काम करता हूँ, मेरे पास दो दो ब्लास्मूद है अभी फिलहाल, एक एनुबिस को ले लेते हैं यहाँ पे शैडो विक को छोड़ के। एनुबिस तो कर देगा ये वाला, तो एनुबिस को यहाँ पे लगाते हैं फटाफट से करने के लिए। और ये काफी तेज तेज कर रहा है भाई साहब, 5 कर दिया अभी का अभी, क्या बात है। और इस पर मैं सोच रहा हूँ बैलोनर को पकड़ने के लिए यार मेरे पास जितने भी अल्फा टाइप पोकेमॉन है ना उन सारे पोकेमॉन को मैं लेके जाऊंगा। और ये बनाने में काफी टाइम लग रहा है यार, दो दो एनुबिस आ चुका है, क्या बात है। फटाफट बनाते हैं ये लोग। एंड गाइस बैलोनर को बुलाने के लिए हम लोग इस बेस में नहीं बुला सकते बैलोनर को, जैसे कि आप लोगों को पता है बैलोनर जहाँ पे आता है वो भाई पूरे बेस को तबाह करके चला जाता है। ये जर्मुंटाइड एंड रिप्टायरो ये सब लेके चलेंगे। मेरे पास जितने भी पावरफुल पोकेमॉन्स हैं वो सारे पावरफुल पोकेमॉन्स को मैं लेके जाऊंगा। आई थिंक बैलेनर को हम लोग हरा देंगे काफी इजीली। यार सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, मुझे अभी याद आया मैंने ऑलरेडी 3 बेस बना लिया, 1 बेस 2 बेस। आई थिंक उसको अपने माइनिंग बेस में बुलाना पड़ेगा। ये 2 बेस में तो नहीं बुला सकता, माइनिंग बेस पे बुलाते गाइस। ओके चलते हैं माइनिंग बेस पे, और वो वाले बेस पे मेरा सब कुछ है लगभग। ओके अभी हम लोग आ चुके हैं ये वाले बेस में, और यहाँ पर मैंने पोकेमॉन हटा दिया। एक काम करते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए ये वाला पाल बॉक्स को तोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में आके फिर दोबारा से हम लोग यहाँ पे पाल बॉक्स बनाने वाला है। यहाँ पे तो इसको तोड़ दिया। अरे भाई तोड़ते ही यहाँ पे पोकेमॉन आ गए मेरे साथ फाइट लेने। नो 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 नो, ये तो आती मेरे साथ फाइट ले रहा है भाई, तेरी किसी की त्यासी भाई, आते आते फाइट ले रहा है भाई 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 भाई। फूट देगा फूट देगा फूट जाएगा फूट जाएगा। मेरे पास में आके फूट रहा है भाई, मेरे पास में आके फूट रहा है। इनका जो दिक्कत है ना यही, इनके पास जो पावर है ना, रुको मैं अभी इनोविस को छोड़ता हूँ, सॉरी उपसुदा को छोड़ता हूँ। छोटे मोटे पोकेमॉन के साथ हम लोग को फाइट नहीं लेना है, बड़े बड़े पोकेमॉन के साथ फाइट लेना है। हम लोग आसपास कहीं पे यहीं पे बनाने वाले हैं बैलेनर को मारने के लिए बेस, इनके एरिया में बनाएंगे, इनको मार के बनाएंगे। और यहाँ पर तो भाई वो भी है भाई, तभी वो वाला इनके साथ उनका फाइट चल रहा है, एक मुसांडा भी है यहाँ पे। चल बेटा सुदा को सबको मारना स्टार्ट कर फटाफट, ये जगह को मुझे खाली चाहिए, जल्दी जल्दी स्टार्ट कर भाई। जबकि स्टार्ट कर चुका है अपना फाइट, मैं तब तक बना देता हूँ यहाँ पे एक पाल बॉक्स बना देता हूँ। रुको अरे भाई मुझे मारेगा तुम, आ जा भाई मारने आज एक बार, तेरी ऐसी की तैसी मुझे मारेगा। ये मुसांडा कुछ कर नहीं रहा है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे पाल बॉक्स बनाता हूँ, पहले तो मिडिल में नहीं बना सकता, यहीं पर बनाता है। ओके यहीं पर बनाता है, यहीं बनाता है। अब बुलाएंगे यहाँ पे बैलनर को, उसके बाद होगा तगड़ा फाइट। अभी भाई बेटा जल्दी जल्दी बना भाई अपना बेस बना। ओके बेस बना दिया इसने। यहाँ पर एक फीड बॉक्स बनाता हूँ पहले, रुको अपने पोकेमॉन को खाना खिलाना है। और ये बेचारा यहाँ पर क्यों केज में बंदी है, इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं भाई। फालतू में इसको पकड़ के रखा है भाई, इतनी छोटी सी प्यारे से पोकेमॉन को, कितना अच्छा काम करता है ये। चलो मेरे पास अभी कितने 6 रसर हो चुका है, और अब हम लोग यहाँ पर सारे अल्फा पोकेमॉन्स को छोड़ने वाले हैं। अच्छा लेवल वाइज देखते हैं पहले, तो लेवल वाइज कौन से है। ओके देखो अटैक पर जिनकी 500 के ऊपर है उनको ही छोड़ रहा हूँ भाई, 500 या 400 के ऊपर। देखो इस बूसी को भी छोड़ता है, इसका भी पावर काफ़ी अच्छा है। मोशन डेलक्स इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन भी चाहिए। ओके और जगह नहीं है, अभी फिलहाल हम लोग को यहाँ पे समन करना पड़ेगा बैलनोर को। और इसको मैं कहाँ समन कर सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे समन कर सकता है, लेकिन उसके पहले मुझे जगह खाली चाहिए। यहीं पे साइड में कर देता है ना, यहीं पे आ जाएगा बैलनोर साइड पे, यहीं पे कर देता हूँ। ओ भाई आ पाएगा मजा बैलनोर के साथ फाइट, मैं तो भाई इधर ऊपर चढ़ के रहूँगा ठीक है ना, मैं कुछ करूँगा नहीं, सारे मैं अपने पोकेमॉन्स को फाइट लेने दूंगा। मैं इसके ऊपर चढ़ के देखने वाला हूँ कैसा फाइट होने वाला है। ओ भाई मजा आने वाला है। बैलनोर का भी बुलाया क्या, पहले तो ये सारे काम में लगा हुए हैं, एक बैलनोर को बुला था ठीक है। ओ भाई 5 बैलनोर को नहीं, एक साथ में 5 नहीं, दिक्कत हो जाएगा, एक साथ में 5 आ जाएगा। तो सुमन पावरफुल पाल, आई थिंक ये काफ़ी पावरफुल है, इसका डैमेज देखना पड़ेगा भाई, सारे चीज़ें ये डिस्ट्रॉय कर देने वाला। ओके 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 भाई 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 भाई, 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 भाई ओ भाई भाई आ चुका आ चुका आ चुका है, आ चुका है भाई साहब आ चुका है। अरे यार अभी रात का भी टाइम हो चुका है, क्या बात है। ओ भाई मुझे इसको पकड़ना भी है भाई, मैं कुछ कर नहीं रहा, रुको रुको मैं एसल रेफल लेता हूँ, फटाफट एसल रेफल लेते हैं। वो देखो उसका हेल्थ देखो भाई, 2,94,000। इसके रेप्टे में मुझे नहीं आना है भाई, इसके रेप्टे में मुझे नहीं आना है, 10 मिनट के अंदर उसको हराना है। सारे पोकेमॉन्स मिलके मेरा फाइट दे रहा है उसके साथ, किधर गायब हो गया, कहीं तो गायब होगा। ओ भाई उसका हेल्थ देखो कैसे लो हो रहा है, कैसे लो हो रहा है उसका हेल्थ। वो देखो बीच में वो अटक गया,
फ्रीज कर दिया उसको भाई भाई उसको फ्रीज कर दिया, शायद जर्मन डेड उसको फ्रीज किया था या फिर किसी और पोकेमोन ने फ्रीज किया होगा। और देखो मेरे सारे पोकेमोन मर रहा है, मेरे सारे पोकेमोन मर रहे का हंगरी फ्रैक्चर ओवरफुल भाई मार फटाफट मार। अल्ट्रा स्पर फेंकता है, ठीक है ना, मेरे पास 28 अल्ट्रा स्पर है, इसका लेवल कितना है 30 लेवल है यार अल्ट्रा स्पर में, तो आसान से आ जाएगा 1 लाख अभी भी इसका 1 लाख वो है। यार सारे अटैक नहीं दे रहे, कमेंट दिया पता नहीं, ये ब्लैस्मूथ खड़ा है, ब्लैस्मूथ कुछ कर नहीं रहा, ब्लैस्मूथ मार उसको यार, ब्लैस्मूथ क्यों नहीं मार रहा है, अब जाके मार रहा है ब्लैस्मूथ उसको भाई, अब तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है भाई साहब। बेलनर को क्या ही धोया भाई, मेरे सारे पोकेमोन मिलने कहाँ गया वो मिल नहीं रहा है, वो देखो तो बाहर जा रहा है देख बाहर जा रहा है। ओ भाई मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है भाई इन सब के बीच में, वो अकेला ओके अभी पकड़ में नहीं आ रहा है, ये पकड़ में नहीं आ रहा है। 61,000 हेल्थ, 56,000, 54,000 हेल्थ, भाई साहब किस तरीके से उसका हेल्थ कम हो रहा है। ओ भाई जा रैप्टर मार भाई, यार कमेंट दे रहा हूँ कोई अटैक ही नहीं दे रहा है, रैप्टर अटैक दे रहा है अभी शायद, देखो किंग का पक्ष भी अटैक दे रहा है, 20,000 हेल्थ हो चुका है, अभी पकड़ सकता हूँ गाइस उसको आई थिंक, यार 0% अभी भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ इसको, पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, लेजेंडरी स्पर फेंकना पड़ेगा क्या इसको पर, यार ये मरी गया लेकिन इसको मैं पकड़ क्यों नहीं पा रहा था, 0% क्यों दिखा रहा था। एंशिएंट सिविलाइजेशन कोर मिला मुझे यहाँ से, काफी सारे एंशिएंट सिविलाइजेशन कोर मिला, बट मैं इसको पकड़ क्यों नहीं पा रहा था, मुझे तो बैलनर चाहिए था भाई, उसको पकड़ क्यों नहीं पा रहा था मैं, उसको पकड़ने के लिए कि मुझे दूसरे टाइप का विस्पर चाहिए। काफी सारे बड़े बड़े पोकेमोन्स मैंने छोड़ दिया अभी फिलहाल, दोबारा से बुलाते हैं यार, ठीक है आ रहा आ रहा आ रहा बंदा आ रहा है, आ गया आ गया, कमेंट देते हैं इनको, कमेंट देता हूँ। ओ भाई साहब स्टार्ट हो चुका है, वो अंधेरा हो गया, चारों तरफ अंधेरा हो चुका है, ओ भाई माहौल बदल गया भाई, माहौल बदल गया गाइस, माहौल बदल गया भाई पूरे, सिंगल शॉट राइफल को रिलोड करता भाई। वो देखो कैसे अटैक दे रहा है वेलनोर, 2 लाख हेल्थ एक बार में कैसे कम हो रहा है उसका हेल्थ, भाई 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 क्या अटैक दे रहा है, क्या अटैक दे रहा है, माहौल बदल गया भाई, मौसम बदल गया भाई पूरे एकदम, मौसम ही बदल गया, और मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा ये कहाँ पे गया। ओके 0% अब दिख रहा है, मेरे पास लेजेंडरी स्पेयर है यार, मार मत इसको, मुझे पकड़ना है, कोई मार मत इसे, मुझे पकड़ना है यार, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पे है बैलनर, ओके 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 यहाँ पे है ओ नो मैं ना मर जाऊँ इनके बीच में, मैं ना मर जाऊँ। 1,76,000 वेलकम कर सर, फटाफट से सबको कमेंट देता हूँ एग्रेसिव अटैक करने के लिए। ओ भाई कुछ तो खतरनाक से अटैक दे रहा है ये लोग, ओ भाई मैं कहाँ घुस गया, ओ भाई 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 मेरा हेल्थ देखो, मेरा हेल्थ जा रहा था, ये बैलनर ओके इसको पकड़ने की कोशिश करता है, ये नहीं आ रहा यार बैलनर लेवल 30 ओके ये नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों भाई, भाई इसके आगे लेजेंडरी स्पेयर फेंक रहा हूँ तब भी नहीं आ रहा है, क्या बात है। रुको जैसे इसका हेल्थ कम हो जाएगा ना मैं इसको वो करूँगा, मैं अपना सारे पोकेमोन को अंदर ले लूँगा, मैंने तो अभी तक अपने पार्टी से पोकेमोन को बाहर भी नहीं निकाला भाई, मेरे सारे पोकेमोन ही मार रहे हैं इनको, इनका इसका आगे वो छोड़ता हूँ मैं, एक एस्ट्रागन को छोड़ता हूँ यार, मैं अटक गया दोबारा मार देगा मेरे सारे पोकेमोन इसको, दोबारा मार देगा, वो तो उधर से मार रहे हैं उनको, उधर से मार रहे हैं बैलनर उनको, उधर से मार रहा है यार, मार मत मार भाई मत मार, इसको पकड़ना है यार, क्यों ये आ क्यों नहीं रहा है, लेजेंडरी स्पर से भी नहीं आ रहा है, व्हाट द हेक, थोड़ा सा और हेल्थ कम कर दे, थोड़ा सा और हेल्थ कम कर दे, मैं फिर अपने सारे पोकेमोन हटाता हूँ, बड़े बड़े पोकेमोन को हटा दिया ठीक है, अभी 19,000 हेल्थ है इसका, रुको गाइस अभी थोड़े धीरे धीरे फाइट लेते हैं इसके साथ, ये देखो 16,000 14,000 हेल्थ हो चुका है, कैप्चर रेट 0 वाई, इसको पकड़ने का कुछ तो ट्रिक होगा, अरे नहीं अरे मुझे मार देगा 600 मर गया भाई वेलनर मर गया यार, इसको पकड़ना कैसे है वेलनर को, कुछ तो ट्रिक मुझे लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं लेजेंडरी स्पेयर फेंक रहा हूँ जो सबसे ज्यादा पावरफुल स्पेयर है, फिर पकड़ नहीं पा रहा हूँ यार, मुझे एक अंडा मिला है ह्यूज टर्क एक, भाई साहब मेरे पास लास्ट टाइम एक था, अभी 2 हो चुका है, आई थिंक वेलनर से एक मिलता है मुझे, एक मिलने वाला है, और इस एक को मुझे शायद से अभी इनक्यूबेट करना पड़ेगा, उसके बाद आई थिंक वहाँ से बेलनोर निकलने वाला है, कौन सा पोकेमोन निकलने वाला है यहाँ से पहले देखता भाई, आई थिंक कुछ अच्छा खासा पोकेमोन निकलने वाला है, क्या पता बेलनोर ही निकलने वाला है, अच्छा मॉन्स्टर पोकेमोन निकलने वाला है भाई, इससे मॉन्स्टर पोकेमोन निकलने वाला है, 15 मिनट लगने वाला है, ओके कोई बात नहीं 15 मिनट में हो जाएगा फटाफट, आई गेस बेलनोर निकल जाए यहाँ से, कौन सा वाला निकलता है, ओके पावर ऑफ गीगा, ओके एक बेलनोर निकला भाई, लेकिन यार इसका लेवल काफी कम है, 1 लेवल का है भाई, मुझे इसका लेवल ज्यादा करना पड़ेगा, 2 बैलनर निकला भाई, दो बैलनर निकला मुझे यहाँ से, दो निकल चुका है, लेकिन इनके पास कुछ खास स्किल्स नहीं है, मुझे अच्छे स्किल्स वाला बैलनर भी चाहिए, देखो रुको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को,
कौन सा बैलेंडर निकला है फटाफट से दिखाता हूँ रुको। पहले तो यहाँ पे आना पड़ेगा एंड अभी लेवल वन में है ना वो लोग, लेवल वन में है तो पीछे होगा। यहाँ पे भी नहीं है, कधर गया भाई बैलनर? इधर भी नहीं है भाई। वो दिखने में कैसा है मैंने अच्छे से देखा भी नहीं बैलनर को, पता है तो सारे पोकेमॉन्स मिलके मेरे फाइट ले रहे थे उनके साथ। इधर भी नहीं है भाई, किधर गया भाई? लेवल वाइज दिखता है, वन लेवल का पीछे होगा फिर, इधर होगा आई थिंक। ये देखो दो दो बैलनर निकला है, एक को शायद मैं कैरी भी कर सकता हूँ। इनका पावर काफी है, लेवल भी कम है यार। ठीक है इनको छोड़ता है, एक को ले लेता है ठीक है ना अंदर, एक को मैं अपने पार्टी में रखता हूँ। ठीक है रुको, लेवल वन का बैलनर को हम लोग उसको लेवल अप करते हैं। मेरे पास काफी सारे ट्रेनिंग मैनुअल्स भी है जिससे लेवल अप हो सकता है वो लोग। आई थिंक देखो आई थिंक वो लोग इससे ट्रेनिंग मैनुअल एल एम एंड ये एक्सेल वाला है ठीक है, लीजेंडरी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है देखते चार है मेरे पास, ये चार में इस्तेमाल करने वाला इसके ऊपर। वाओ एक बार में 35, क्या बात है वाओ। अब इसको अपने साथ कैरी करते हैं ना, इसको अपने साथ कैरी करते हैं, इसका वो हो जाएगा। तो इसको छोड़ के देखते हैं पहले, तो ये हो गया है। इसके साथ फ्रॉस्टलैंड का फाइट करेंगे ठीक है, इसका लेवल अप थोड़ा होने दे। ये 39 लेवल का है ना, इसका लेवल हो जाएगा 45, मेरे साथ सिंक हो जाएगा, उसके बाद ले जाऊंगा इसके साथ फर्स्टलैंड के साथ फाइट कराने। पहले तो इसको थोड़ी देर यहाँ पे छोड़ देता है, ये ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है, इसका लेवल अप होने देता है। ओके चल बेटा फाइट ले देखता है। नाइस, अच्छा इसका अटैक ऐसा है, काफी सही है भाई साहब। देख रहा है मेरे पास कौन सा पोकेमॉन है, तू मुझे गोली मार रहा है, अभी थोड़ी देर में तू मरने वाला है, मेरे ऊपर गोली चला रहा है भाई साहब। ले बेटा मर के खुश हो गया ना अभी, ले इसको खाली, इसको वो करता मैं बेकार में ये बंदी होकर रखा है। चलो 800 सोच कर मेरे पास 700-800 सो चुका है ठीक है, रात भी होगा भाई। ओके यहाँ पर मेमोरीज मिला, एक मेमोरीज को भी पकड़ लेता है, काफी अच्छा खासा अटैक दे रहा है वैसे। ओ एक अटैक में भाई हेल आधा कर दे मेमोरीज का, और मेमोरीज का अटैक देखो उसके उसके ऊपर कैसा इफेक्टिव हो रहा है। अरे भाई मेमोरीज उसके ऊपर अटैक दे रहा है लेकिन उसको डैमेज ही नहीं हो रहा है भाई, ये कैसा अटैक हुआ, ये कैसा पावर है? ओ थोड़ा सा डैमेज हुआ, ये वाला अटैक में थोड़ा सा डैमेज हुआ। चलो मेमोरीज को इसने मार दिया। अरे बेटा फाइट मत ले यार, बेचारे को छोड़ दे, तू काफी बड़ा पोकेमॉन है, देखते हैं बैलनर इसके आगे क्या करता है। अरे एक अटैक मार दिया, कि इसका लेवल अब अभी तक नहीं हुआ है, 39 लेवल तक हुआ है अभी तक, तो भाई इसको पकड़ना था। चलो कोई बात नहीं, गुमस कुछ काम में नहीं आता। कितना लेवल हुआ है उसका भाई, इसका लेवल अप क्यों नहीं हो रहा है? इसका लेवल अप होने के लिए तो भाई काफी टाइम लगने वाला है, क्योंकि देखो नेक्स्ट हो इसको पॉइंट चाहिए, 52,000 पॉइंट चाहिए भाई। इसको तो फूड्स भी खिलाना पड़ेगा, कुछ पावरफुल फूड्स खिलाना पड़ेगा इसको, तब जाके कुछ काम में आएगा। ओके अब तो मैं शायद से नहीं ले जा सकता इसको पकड़ने के लिए, सोच रहा था मैं फ्रॉस्टलैंड को पकड़ने ले जाऊंगा, बट इसका लेवल अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको पहले तो लेवल अप करते हैं। ओके इसको लेके चलते हैं अभी किसके पास, इसको लेके चलने वाले हम लोग किसी आइस टाइप पोकेमॉन को पकड़ने ले जा सकते हैं। और मैं इधर कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो जाना है भाई वो क्या आगे एक यूनिवोल्ट है, यूनिवोल्ट के साथ इसका फाइट लगा दो क्या, आगे एक यूनिवोल्ट भी है। चलो तो यहाँ पर छोटे मोटे पोकेमॉन के साथ इसका फाइट लगा देता हूँ, यहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन है, सबको ये मार देगा ना, थोड़ा सा इसका एक्सपी ज्यादा हो जाएगा, सबको मार देगा। तो मार सबको मार फटाफट से मार। ओके इससे तो ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है यार, मुझे फर्स्ट लेवल में जाना पड़ेगा, दूसरे कुछ आइलैंड में जाना पड़ेगा, यहाँ से कुछ कम नहीं बन रहा है। हम लोग को आइस टाइप में जाना पड़ेगा, आइस टाइप में चलते हैं, आइस टाइप के साथ डार्क टाइप पोकेमॉन को फाइट करेंगे ठीक है, और आइस टाइप बॉस पोकेमॉन को पकड़ेंगे। अभी आइस टाइप बॉस पोकेमॉन लाइक हम लोग किसको पकड़े, किंग कैप्पा क्रिश को पकड़ सकते हैं या फिर लेलिन नॉट को पकड़ सकते हैं ठीक है। मेरे पास लेलिन नॉट दो दो है ऑलरेडी, और काफ़ी पावरफुल आइस टाइप पोकेमॉन है सबसे ज़्यादा, और उससे ज़्यादा तो भाई लेजेंडरी पोकेमॉन फ्रॉस्टलैंड है। कहाँ पे जाऊँ इधर कहीं पे, इधर और आइस टाइप पोकेमॉन और नहीं मिल जाएगा भाई। देखो यहाँ पे पूरे आइलैंड में कितने सारे बॉस पोकेमॉन्स हैं, यहाँ पे अल्फा पोकेमॉन्स, आइस टाइप में अल्फा पोकेमॉन्स मुझे और भी चाहिए, जैसे कि वैनवर्म क्रिस्ट अल्फा पोकेमॉन, उनको ढूंढते हैं, चलते हैं गाइस उनको ढूंढे। या फिर सुबह आते हैं, पहले तो रात हो चुका है, घर में जाके सो जाते हैं, काफ़ी दिन से मैं अच्छे से सो नहीं रहा हूँ, क्या पता मेरा भी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए अभी सो जाते हैं। रुको हम लोग कल सुबह कर जाने वाला है इस टाइप पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। ओके और उसका लेवल अब जैसे 45 हो जाएगा उसके बाद जाएंगे हम लोग फ्रॉस्टलैंड को पकड़ने। गुड मॉर्निंग हो चुका है और एक सुबह, हम लोग अभी जाने वाला है इस टाइप पोकेमॉन को पकड़ने, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर कुछ स्पेयर बनाने दिया था, इसको ले लेता हूँ आज, लेजेंडरी स्पेयर दिया था भाई, लेजेंडरी स्पेयर भाई साहब। ओके मैं और कुछ एमो भी बना लूँ क्या, मेरे पास एमो है 70 एमो है 73। ओके एमो भी है। ओके मैं अपना इन्वेंट्री खाली करता हूँ, मेरे पास इन्वेंट्री फुल हो चुका है। ये देखो चिकन मिला है, मेमोरिस्ट मीट मिला है, इनसे कुछ बना सकते हो क्या अच्छा सा, कुछ देखता हूँ भाई, आई थिंक इससे कुछ अच्छा सा खाना, बढ़िया सा खाना बना सकता है अपने पोकेमॉन्स के लिए। नहीं यार इससे तो कुछ, ये देखो मेमोरिस्ट स्टिक बना सकता भाई, चार बना दे। ओके चिकन क्या चिकन स्टू भी बना सकता है, वो नाइस।
ये सब मैं नहीं लेने वाला हूँ, मैं अपने पोकेमॉन्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अरे चिकीपी लेके जा रहा है, चिकीपी लेके जा रहा है, चिकन्स टू लेके जा रहा है भाई, चिकीपी जा, सॉरी लैम्बल लेके जा रहा है, मैं तो सोच रहा था चिकीपी लेके जा रहा है, एक एक करके लेके जा रहा है। वो खाना वो लोग खाने वाले, देखो कौन खाएगा, देखता है वो खाना कौन खाता है, वो किधर लेके जा रहा है देखता हूँ मैं। अच्छा वो वाले फूड बॉक्स में लेके जा रहा है, इधर क्या क्या रखा है देखता है, लोग मजे में खा रहे हैं भाई। अच्छा यहाँ पे तो वो खत्म हो चुका है, वायरस भी खत्म हो चुका है, यहाँ ये खा लेगा कोई ना कोई तो खा लेगा पक्का, बड़े पोकेमॉन खा लेगा ये चिकन स्टू। अभी हमारे पास काम है, हमको जाना पड़ेगा आइस टाइप पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। आइस टाइप पोकेमॉन मिलने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं जाके अल्फा टाइप पोकेमॉन को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये वाला एरिया थोड़ा सा मैंने अभी तक डिस्कवर नहीं किया, यहाँ पर चलते हैं भाई, चलो अपना फाइट स्टार्ट करो। वाओ नाइस, देखते हैं बैलनर वाम्पू बैलनर को मार पाएगा कि नहीं। वो ऊपर दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं होगा बेटा। अच्छा ऊपर भी अटक दे रहा है, ऐसा है क्या? मैं नीचे आ जाऊंगा तो फिर तेरा काम खत्म हो जाएगा, समझ रहे? ठीक है यार जल्दी खत्म करो उसको, उसको पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, रुको गाइस इसको पकड़ लेते हैं, मेरे पास लीजेंडरी स्पेयर है, अट्रेस पर से पकड़ते उसको, गीगा स्पेयर से पकड़ते उसको, गीगा स्पेयर काफ़ी सारे हो चुके हैं मेरे पास, 7% आ जाएगा क्या गीगा स्पेयर से? नहीं आ रहा है, आ जाएगा इस बार आ जाएगा। अरे यार बैलनर का हेल्थ उसने खत्म कर दिया, बैलनर का हेल्थ उसने खत्म कर दिया, बैलनर को बुलाते अंदर। यार आ तो जा गीगा स्पेयर से, इतना बड़ा स्पेयर फेंक रहा हूँ उसके ऊपर, आ जाएगा इस बार आ जाएगा आई थिंक। चलो ये आ गया भाई भाई भाई। यार बैलनर को जो मैं समझ रहा था, बट ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, उसको कुछ अच्छा खासा फ्रूट स्किल वाला फ्रूट खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसका अटैक काफ़ी कम दे रहा है भाई, इस वाम्पू से नॉर्मल अटैक से वो मर रहा है भाई। उसका हेल्थ देखो क्या इतना कम कर दिया, उसका हेल्थ आधा कर दिया था, उसका हेल्थ 3000 तक उसका एक्सपी है, एक बार में उसका 1500-1600 हेल्थ हो गया था, सॉरी 1200 हेल्थ हो गया था आई थिंक उसका। देखते हैं दो वाम्पू के साथ कैसा फाइट लेते हैं वैलनर अपना। यार ये वैलनर को मार देगा मार देगा, इनके आगे तो भाई ये चाहिए ब्लास्टमूथ चाहिए, एक एक अटैक में मर रहा है भाई, इसको बोलते हैं अटैक, एक एक अटैक में ये आइस टाइप पोकेमॉन मर रहा है। देखो एक अटैक किया वो मर गया, अभी दूसरा अटैक किया ये देखो ये भी मरने वाला है, इसका हेल्थ अभी कम हो चुका है ना, अभी इसके आगे छोड़ते बैलनर को, मार दे बैलनर उसका हेल्थ कम है, मार दे तेरा एक्सपी ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी मार, यस नाइस, बार बार मार दे नाइस। चलो बैलनर का एक्सपी ज़्यादा हो रहा है अभी तो, 39 हो चुका है, 6000 मिला इसको अभी, क्योंकि मेमोरी स्ट्रेस्ट है यहाँ पे, पहले तो उसका हेल्थ कम करते हैं मेमोरी स्ट्रेस्ट का रुको, अरे रुक जा ब्लास्टमूथ से उसका हेल्थ कम करते हैं, रुको गाइस 42 लेवल का है वो, 45 लेवल का है, उससे वो अटैक नहीं दे रहा है अभी, आई थिंक अटैक देगा। नो 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 भाई 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 सब मार देता, अभी मार देता मेमोरी स्ट्रेस्ट को। अच्छा हुआ मेमोरी स्ट्रेस्ट मेरे ऊपर अटैक दिया, अभी ये मेमोरी स्ट्रेस्ट को मार देता एक ही पल में। अरे यार ये यहाँ पे सिंडिकेट थक आ चुके हैं यार, भागना पड़ेगा यहाँ से। अरे यार मार दिया इसने, मार दिया भाई मार दिया, मर गया मेमोरी स्ट्रेस्ट मर गया भाई। हाई क्वालिटी पावर लेवल 20 नाइस, मुझे और भी बड़े पोकेमॉन ढूंढना पड़ेगा। ओके सो गाइस मैंने अभी सोचा है यार, अभी हम लोग जाने वाले हैं फ्रॉस्टेलियन के साथ फाइट लेने, क्योंकि उसको मैं लास्ट टाइम पकड़ने वाला था, लेकिन उसको मैं पकड़ नहीं पाया था, मैं मर गया था, 3-4 बार गया था उसको पकड़ने के लिए, बट एक बार भी मैं उसको पकड़ नहीं पाया था। और अभी फिलहाल मेरे पास जो बैलनर है ना, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सोचा है भाई, इसका लेवल अप करना पड़ेगा पहले तो 45 तक, तो मैं इसको पहले अपने बेस में ही छोड़ता हूँ, ठीक है। इसका जैसे लेवल अप हो जाएगा 45 तक, उसके बाद हम लोग उसको लेके जाएंगे, ठीक है। इसको तो इस वाले बैलनर को शायद कुछ फ्रूट खिलाना पड़ेगा, मेरे पास फ्रूट्स नहीं है। ये देखो ड्रैगन स्किल फ्रूट, इसका पावर 70 है, मुझे अच्छे पावर वाले फ्रूट्स को खिलाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मेरे पास अच्छे पावर वाले फ्रूट्स नहीं है, तो सबसे पहले तो अच्छे पावर वाले फ्रूट्स भी चाहिए उसके लिए, जो मैं लाने वाला हूँ काफी जल्द। सबसे पहले उसी लिए मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं बैलनर को यूज नहीं करने वाला हूँ फर्स्टलोड को मारने के लिए, पहले तो हम लोग जाते हैं नॉर्मल से ब्लास्टमूथ को लेके चलते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर क्या होता है ब्लास्टमूथ के साथ नॉर्मल सा फाइट कैसा होता है, या फिर बैलनर का जो और एक पावरफुल बॉस था ना, उसका नेम क्या था, उसका रेम क्या था दिखाता हूँ, ये वाला बैलनर लिवेरोस का, बैलनर लिवेरो आई थिंक ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल इपिक वाला पोकेमॉन है, देखो ना ये इसमें इपिक लिखा हुआ है। तो उसी लिए अभी हम लोग जाने वाले हैं फ्रॉस्टेलियन को पकड़ने के लिए, इसको पकड़ना भाई काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा है, पिछली बार तो पकड़ में गया था भाई, 2-3 बार मर गया था उसके साथ पकड़ फाइट लेते लेते, मिस्टेक हो गया, मैं तो भूल ही गया यार मैं कौन से पोकेमॉन को लेके आया, नंगे पुंगे आ गया भाई इसके साथ फाइट लेने, मुझे अच्छे अच्छे पोकेमॉन लेके आना है इसके साथ फाइट लेने के लिए। फिलहाल मेरे पास कौन से पोकेमॉन है, ब्लेजमूथ है, एनोबिस तो कुछ काम का नहीं है उसके आगे, बाई लेवल ब्लास्टमूथ कहाँ पे गया, और एक ब्लास्टमूथ था पहले, ये देखो और एक ब्लास्टमूथ यहाँ पे है। ओके बैलनर का भी नहीं ले जा रहा हूँ, बैलनर भाई काम में नहीं आएगा आई थिंक सो, मैं और एक सुजाकू ले लूँ क्या, सुजाकू या फिर रैग्नाहॉक या फिर जर्मुनटाइड इग्निस, नहीं जर्मुनटाइड को नहीं लूँगा, जर्मुनटाइड काफ़ी स्लो अटैक देता है यार, मैं एक
इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन ले सकता हूँ, बट कॉग्निटो को ले नहीं, कॉग्निटो को भी नहीं लेंगे। लू तो लू किसको, मुसन डेलक्स को ले सकता हूँ क्या? मुसन डेलक्स कम में आएगा, 42 लेवल है, इसको लेके 42 इसका लेवल अप करता है, 45 तक करता है इसका लेवल, ठीक है ना। तो देखता हूँ उसके बाद क्या होता है 45 लेवल में। मुसन डेलक्स का लेवल अप करता है अभी फिलहाल लू को। मेरे पास यहीं पे था ना ट्रेनिंग मैनुअल था, एक्सेल वाला मिला, ये इस्तेमाल करता है कि मोशन ड्रेस के ऊपर। 43 44 में अटक गया ये तो, चलो कोई बात नहीं, 44 ही सही। अभी इसके पास स्किल्स क्या है देखते हैं। इसके पास देखो लाइटनिंग का स्किल्स है 120, ब्लास्ट पंच की जगह हम लोग दूसरा कुछ ले सकते हैं क्या? ओके, रॉक लेन ले सकते हैं 150 का देगा, क्या बात है। और इसकी जगह हम लोग ले सकते हैं ट्री लाइटनिंग, नहीं स्पाइन वाइन देता, ये देता है भाई। चलो स्किल्स मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया, ठीक है ना। लाइटनिंग देगा, उसके बाद रॉक लेन देगा, उसके बाद 95 का ये डैमेज देगा, ठीक है ना। स्पाइन वाइन फाइन देगा शायद से, इससे वो होने वाला है, मतलब थोड़ा सा तो कुछ तो होगा। और मुसंडा लक्स का वो भी है मेरे पास, आई थिंक मैं उसको भी बनाना सकता हूँ। रुको गाइस, मैंने देखा नहीं था मुसंडा लक्स को, मैं अच्छे से अभी तक अपग्रेड नहीं किया ना, मैं टेक्नोलॉजी पॉइंट में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहले जाता हूँ मुसन डेलक्स का वो कुछ तो था मैंने जिसको अनलॉक नहीं किया अभी तक, ठीक है। देखो मुसन डेलक्स ग्रेनेड लॉन्चर, आई थिंक ये कुछ काम में आएगा मेरे, आई थिंक सो आ सकता है। आइस टाइप पोकेमॉन के आगे वो किस तरीके से फाइट लेता है वो एक बार दिख लेते हैं। मैंने मुसन डेलक्स का ग्रेनेड लॉन्चर अनलॉक कर दिया, ठीक है। अब इसको पहले क्राफ्ट कर लेते हैं फटाफट मुसन डेलक्स का ग्रेनेड लॉन्चर को, यहीं पे होगा आई थिंक कहीं पे तो हो सकता है। मुसन डेलक्स ग्रेनेड लॉन्चर ये है, मुसंडा लग्स ग्रेनेड लॉन्चर, इससे कुछ अच्छा खासा मिल जाए भाई। चलो इसको बनाने दे दिया, आज रात हो चुका है, सो जाता हूँ फटाफट, कल सुबह मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। रात हुआ नहीं अभी तक, होने वाला है, मैं फटाफट सो जाता हूँ यार, कल सुबह मिलता है। चलो गाइज हो चुका है प्यारा से और एक सुनहरा सा सुबह, और अभी फिलहाल फटाफट से देखता हूँ अपना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनुबिस ताजा बना दे यार फटाफट, एनुबिस कहाँ पे है? एनुबिस ये पेनकिंग आ चुके इसको बनाने, पेनकिंग तो काफी टाइम लगा इसको बनाने में भाई। मैं अपने बॉस एनुबिस को डालता हूँ, रुको गाइस बना दो एनुबिस फटाफट से बना दो, कि एनुबिस काम में लग चुका है। और मुजारीना सर यहाँ पर क्यों घूम रहा है यार? इनका काम दिया मैंने मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए और ये घूमते जा रहे हैं तब से। मिल्क प्रोड्यूस करो भाई, तू भी जा मिल्क प्रोड्यूस करने, घूम क्यों रहा है? मुझे मिल्क चाहिए काफी सारा। ओके आई थिंक सो एक रेंच में ना हम लोग ज्यादा पोकेमॉन को नहीं घुसाते, देखो एक को घुसा रहा हूँ ना तो दूसरा निकल जा रहा है, ठीक है। तो मुझे बगल में और एक रेंच यहाँ पर बनाना पड़ेगा, उसके लिए तो मुझे ये वेपन असेंबली लेना है ना, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसको हटा के हम लोग उधर कहीं पे बनाएंगे, कहाँ पे बनाते हैं इसको, बनाएंगे हम लोग बने कहाँ बने, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जगह है थोड़ा सा, यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे बना देते हैं और वहाँ पे हम लोग और एक रेंच बनाते हैं। देखो ये निकल गया ना, एक का घुसा है वो निकल जा रहा है, मतलब वहाँ पे उनका जगह का प्रॉब्लम हो रहा है आई थिंक सो। इसको तो पहले हटाता हूँ भाई, वेपन असेंबली लाइन यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको हटाया एंड यहाँ पे बिल्ड करूँगा। अभी फिलहाल एक रेंच बिल्ड करना है हमको, कहाँ पे गया, प्रोडक्शन में नहीं है। ओके ये बनाते हैं यहाँ पे, यार मेरा स्पीड काफी स्लो हो चुका है। थोड़ा पास बनाता हूँ, थोड़ा पास ताकि दिखने में अच्छा लगे, थोड़ा पास बनाता है। चलो यहाँ पे एक चेस्ट बना देता हूँ, एक चेस्ट काम आएगा, एक वुडन चेस्ट मेटल चेस्ट बनाता है यहाँ पे। चलो अभी देखो ये अब सारे आराम से काम कर सकते हैं, यहाँ पे सारे है वहाँ पे सारे, मतलब तीन तीन कर गए, ठीक है ना। इसके लिए इनके लिए जगह छोटा पड़ रहा था, इसीलिए ये सारे एक साथ में काम नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे मुझे एक वेपन असेंबली लाइन भी बनाना है, वेपन असेंबली लाइन मैंने तोड़ दिया था, ये वाला इसको बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बना सकते हैं वैसे, इस वाले जगह पे यहाँ पे बना सकते हैं, उधर नहीं इधर ही बनाएंगे भाई, इधर ही सही लग रहा है मुझे, किधर होके बनाऊंगा इसको, इधर होगा आई थिंक सो। चलो ये भी बन गया, यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली है, ये बाद में कुछ करेंगे यहाँ पर। अभी गाइस हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग करने वाले थे ओके मुसन डेलक्स को चेक करने वाला था। पहले तो मुसन डेलक्स को बुलाता हूँ, अभी मुसन डेलक्स का सैडल बना दिया मैंने, ग्रेनेड लॉन्चर बना दिया मुसन डेलक्स का। अभी हम लोग मुसंडलस को लेके जाएंगे फाइट करने के लिए। ओके मुसंडलस का लेवल भी अप हो गया, क्या बात है। किधर गए मुसंडलस, ओए अभी तो छोड़ा था इसको। ओके बहुत सही है, इसका ग्रैंड लॉन्चर देता हूँ, कैसा काम में आता है, इससे मैं मार सकते हो क्या उसको। ओके गाइस हमारे पास सब कुछ रेडी हो चुका है, अभी मैं जाने वाला हूँ हमारे इस लेजेंडरी पोकेमॉन फ्रॉस्टेलियन के साथ फाइट लेने, मुसंडलस सुजाकू। गेल क्लॉ तो काम में नहीं आएगा, ब्लेजमथ से हम लोग पूरा फाइट लेने वाले हैं, ब्लेजमथ एंड सुजाकू से। और मुसन डेलक्स को मैं ट्राई करने वाला हूँ, आई थिंक मुसन डेलक्स से कुछ तो फायदा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले तो मैं अपना एसल राइफल लगा देता हूँ भाई, चलो लगा दिया। अब चलते हैं हम लोग फ्रॉस्टेलियन को पकड़ने फटाफट से, सबसे पहला लेजेंडरी पोकेमॉन को हम लोग पकड़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए
देखते हैं फाइट कैसा होता है। आई थिंक सो काफी मजेदार होने वाला है। ओके, इसी पहाड़ के पीछे फॉस्टलैंड रहता है, काफी पावरफुल पकड़ना है। थोड़ी देर में रात भी होने वाला है यार। तो कैसे हो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग आ चुके हैं फॉस्टलैंड को पकड़ने के लिए। सबसे पहला मैं सोच रहा हूँ सुजाकू के साथ इसका फाइट नहीं लूंगा, सबसे पहले मैं मुसंडलस को छोड़ने वाला हूँ इसके आगे, एंड मैं ग्रेनेड लॉन्चर से मुसंडलस के साथ फाइट लूंगा। देखता हूँ कैसा फाइट होता है। ओ भाई, इससे कुछ हो रहा है क्या? उसे उसका चक्कर काट रहा है बस, इससे उसका डैमेज नहीं हो रहा है बट चक्कर काट रहा है। देखो वो चक्कर काट रहा है, क्या बात है भाई, भाई क्या बात है भाई। लेकिन मैं ज्यादा देर तक वो नहीं कर सकता हूँ, इससे वो चक्कर काट रहा है। उसका हेल्थ ज्यादा नहीं जा रहा है बट चक्कर काट रहा है यार। ये मुसंडलस को मार देगा, हटता है यहाँ से, हटता है, मार देगा मुसंडलस को, छोड़ते भाई। ओ मेरे ऊपर अटैक दे रहा है, मेरे ऊपर अटैक दे रहा है। ब्लास्मिथ को छोड़ता है भाई, ब्लास्मिथ को छोड़ता है फटाफट। ओ तेरी ब्लास्मिथ को फाइट ले रहा है। ओ नो, ब्लास्मिथ का हालत खराब कर दिया उसने। मेरे ऊपर अटैक दे रहा है। ओ नो, ब्लास्मिथ को मारना दे वो। नो भाई, दूसरे ब्लास्मिथ को छोड़ना पड़ेगा। चल ब्लास्मिथ जा भाई, अपना जलवा दिखा। ओ नो, मैं आ गया इसके लपटे में, मैं आ गया। नो भाई, मुझे बच कर रहना पड़ेगा भाई। कब अटैक दे देता है ना, पता ही नहीं चलता है ये कब अटैक देता है, पता भी नहीं चलता भाई मुझे तो। पूरा दूर से देखना पड़ेगा। वो देखो पास में आ गया। फाइनली भाई बच गया। अपना ब्लास्मिथ को बचाना पड़ेगा भाई, अपना ब्लास्मिथ अच्छा खासा अटैक दे रहा है उसके ऊपर। थैंक गॉड मेरे पास ग्लेल को है, वरना मैं भी मरने वाला था भाई साहब। मार उसको। 12,000 हेल्थ हो गया उसका, 12,000 हेल्थ हो गया भाई। फटाफट से मार, अपने ब्लास्मिथ को भी बचाना पड़ेगा गाइस, अपने ब्लास्मिथ को भी बचाना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले तो मैं सिंगल शॉट राइफल लगाता हूँ या फिर एसएल राइफल लगाऊं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अटैक देता हूँ, वरना मेरा ब्लास्मिथ अकेला फाइट नहीं ले पाएगा। अब इसके आगे सुजाकू को छोड़ता है। सुजाकू जा भाई, फाइट टाइप होकर मैंने दोनों को छोड़ दिया। और सुजाकू का स्किल्स देखो भाई, 11,000 हेल्थ हो चुका है। काफ़ी लंबा फाइट लेना पड़ेगा मुझे इसके साथ। रिलोड हो जा भाई। चलो रिलोड हो चुका है, नाइस सुजाकू, नाइस। 10,000 हेल्थ करते हैं सुजाकू ने उसका। ओहो भाई, आज तो शायद मैं इसको पकड़ ही लूँगा। ओह भाई, भाई अभी मरने वाला था। थैंक गॉड भाई, मेरे पास शील्ड था। किधर गया ये, गया किधर? अच्छा वहाँ पे है ये, मुझे ही मार रहा है भाई। अपने सुजाकू को मार। ओ भाई साहब, क्या ही तगड़ा अटक दे रहा है वो। अरे नहीं, मुझे अटकना नहीं है भाई, अटक जाता है बंदा। अरे अटकना नहीं है भाई साहब, बच गया। सुजाकू को अंदर बुलाते हैं, अभी छोड़ते हैं ब्लास्मिथ के आगे फिर से। बच गया भाई, गेल क्लॉ की वजह से मैं आज बच रहा हूँ, पता है गेल क्लॉ की वजह से मैं बच रहा हूँ भाई। ब्लास्मिथ दबा के मार भाई, मेरे पास एमओ भी खत्म होने वाला है, एमओ ज्यादा लाना चाहिए था। नो, ओ भाई साहब, थैंक गॉड मेरे पास वो था भाई, शील्ड था। इस बार भी बच गया भाई साहब। भाग बेटा भाग। यार वो अटक दे रहा है, काफी तेज तेज अटक दे रहा है। नो यार, मैं अटक काफी सही दे रहा था, कैसे भाई दोबारा से आना पड़ेगा इसके आगे। यार मैं अटैक काफी सही दे रहा था, मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा। अटैक काफी सही जा रहा था, मुझे थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा, और भी थोड़ा देख के खेलूंगा ना तो आसानी से हो जाएगा। ऑलरेडी वो 3 बार वो अपने लेजेंडरी अटैक मेरे ऊपर मार चुका था, ठीक है ना, फिर भी मैं अपने शील्ड की वजह से बच गया था। मैं काम करता हूँ, अपने शील्ड को ना रिपेयर कर लेता हूँ, दोबारा से जाने वाला हूँ मैं, आज ही जाने वाला हूँ उसको पकड़ने भाई, ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, आज ही जाऊँगा। और आज तो मैं इसको पकड़ के रहूँगा कुछ ना कुछ करके भाई, कैसे भी हो, ठीक है। एक काम करता हूँ भाई, ग्रेनेड लॉन्चर से तो कुछ काम नहीं बन रहा है। अच्छा ग्रेनेड लॉन्चर से कुछ काम नहीं बन रहा है ना, ये काम करते हैं हम लोग उसके जगह में। और एक सुजाकू है, बट ये इसका देखो 45 लेवल है, इसका देखो भाई 23 लेवल है ना। हम लोग सुजाकू कुछ काम ही नहीं आ रहा है, हम लोग और एक ब्लास्मिथ के ले सकते हैं, ठीक है, और एक ब्लास्मिथ को हम लोग बना सकते हैं वैसे तो। वैन वाम किस्ट हम लोग रैगनाहोक को ले सकते हैं, ठीक है ना, रैगनाहोक को ले सकते हैं, ये रैगनाहोक को ले सकते भाई इसके बदले में। रैगनाहोक का अटैक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। रैगनाहोक को देखते हैं इसके पास कौन से स्किल्स है रैगनाहोक के पास। ओके रैगनाहोक के पास फ्लेम स्ट्रॉन्ग है, बट ये मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं, फ्रूट खिलाना पड़ेगा इसका, अच्छे अच्छे फ्रूट खिलाना पड़ेगा रैगनाहोक को। रैगनाहोक का डिफेंस भी ज़्यादा नहीं है ना, उसका डिफेंस अच्छा चाहिए था। फ्रूट देखता हूँ मेरे पास फ्रूट है क्या, फ्रूट्स यहाँ पे नहीं है एक भी। फ्रूट्स तो था यार, काफी सारे फ्रूट्स मैं जमा करके रखा था, फ्रूट लाना पड़ेगा गाइस। ओके यार, रैगनाहोक का सैडल में अनलॉक नहीं किया अभी तक। अच्छा वो अनलॉक करना पड़ेगा, वो 37 लेवल में था, बट वो क्या हुआ ना, मेरे पास टेक्नोलॉजी पॉइंट्स की बहुत कमी हो रहा है, इसलिए मैं उसको अनलॉक नहीं कर पाया। ब्लास्मिथ का भी सेटल में अनलॉक नहीं कर पाया, ठीक है, दोनों ही करना पड़ेगा। और एक ब्लास्मिथ पकड़ के लाए क्या? और एक ब्लास्मिथ को हम लोग पकड़ के ला सकते हैं वैसे तो। मेरे पास एक फैलरिस था लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है कहीं पे, मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। ओके मिला, लेकिन इसका देखो अभी इसका डिफेंस 423 है और इसका अटैक काफी ज्यादा है, और इसका देखो 497, ठीक है, तो दोनों ही मुझे लग रहा है सेम लेवल का है। एक तो हो गया मेरे पास रैगनाहोक, सुजाकू, गेल क्लॉ मेरे काम में आएगा, ठीक है, अभी सो जाते हैं फटाफट से। कल सुबह उठ के एकदम
तुरंत निकल जाएंगे हम लोग। ओके सो हो चुका है और एक प्यारा सा सुबह, और सुबह उठ के मैंने सबसे पहले देखा गाइस मेरे पास एसिड राइफल का एमो नहीं है। 100 एमो ले लिया भाई। चलो मेरे पास काफी सारे एमो अभी आ चुका है और इस एसिड राइफल से डैमेज भी नहीं हो रहा यार। एक काम करता हूँ, वो हमारे पास एक आइडिया भी है गाइस, मेरे पास एक आइडिया भी है। मैं ये चीज मैं पहले क्यों नहीं सोचा, अभी मुझे याद आ रहा है। ये चीज मैं पहले सोचता तो अब तक मुझे इतना मेहनत नहीं करना नहीं पड़ता। आई थिंक हम लोग अपना बेस भी बना सकते हैं इसके साइड में, इसके बगल में और एक बेस बना के फिर इसको हम लोग पकड़ सकता है। फिर हम लोग दो दो ब्लास्टर्स के साथ उसका फाइट लेंगे, ठीक है ना। मैं अपना माइनिंग बेस को हटा के यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। माइनिंग बेस को हटा के यहाँ पे लाना पड़ेगा। माइनिंग बेस पे क्या चल रहा है अभी, हाल फिलहाल सब ठीक ठाक। कितने कुछ हो गए, अच्छा ये लोग काम नहीं कर रहे। स्टार्विंग, खाना नहीं खा रहे। अच्छा फूड बॉक्स नहीं है यहाँ पे, फीड बॉक्स नहीं है। अच्छा फीड बॉक्स तो मैंने बनाने दिया था, फीडबॉक्स इसने तोड़ा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी पोकेमॉन्स हैं इनको घुसाता हूँ अंदर। चलो अंदर डाल दिया सबको, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। इसको तोड़ते हैं भाई, अच्छा यहाँ पर सारे बी ग्रेड क्यों आ रहे, तब भी बी ग्रेड आया था। आसपास के कहाँ पे फर्स्ट ट्रेवल है, बी ग्रेड एक बार आसपास में फर्स्ट ट्रेवल है यहाँ पे। ओए बी ग्रेड मेरे पास में आके फट रहा है भाई। भाई मरने का इतना ही शौक है तो दूर में जाके मरो ना, यहाँ पे आके क्यों मर रहे हो। मैं जाने वाला हूँ, ओके मेरे पास फर्स्ट ट्रेवल ये वाला है, ये नज़दीक होगा तरफ से चलते हैं। ओके हम लोग पास ये फर्स्ट ट्रेवल है, फर्स्ट ट्रेवल की तरफ चलते हैं। मोस्ट अंडर फॉरेस्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी जा सकते हैं, कहीं और किसी एक जगह से चलने से हो जाएगा। यहीं से चलता भाई फर्स्ट ट्रेवल, वो ऊपर भी है 281। ओके यहाँ से चलता है, ऊपर से चलता है, पास में पर्ले वाला ही है। वो ऊपर वाला मैंने अनलॉक भी नहीं किया ना। और हाँ गाइस ये वाले बॉसेस के साथ भी हम लोगों को फाइट करना है, ठीक है। उसके लिए जरूर से तैयार रहा है ना। इनमें से किसी भी बॉस के साथ मैंने अभी तक फाइट नहीं लिया है, फाइट तो लिया बट डिफीट नहीं किया मैंने अभी तक किसी को भी। इस बोर्ड को डिफीट किया था बस सिर्फ। और यहाँ पर मैं शायद पहली बार आ रहा हूँ क्या, नहीं नहीं यहाँ पे शायद मैं आया था एक बार, तो आया था एक बार, आया था एक बार, आया था याद आ गया एक बार आया था। यहाँ से हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, चलो फटाफट से चलते हैं यहाँ पर। अब बेटर फ्रॉस्टर को पकड़ के रहूंगा भाई, काफी दिन से मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तो ये हाथ में आने वाला है 100% भाई। दो दो ब्लास्मिथ को वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। फ्रॉस्टलेट मेरे पीछे पड़ा रहेगा, ब्लास्मो सुजा को सब छोड़ दूंगा एक साथ में, ठीक है ना। फायर टाइप पोकेमॉन जितने भी है मेरे पास, रेप्टायरों को भी छोड़ दूंगा भाई। अरे यार अटक गया सुजा को, अटक गया यहाँ पे। अच्छा बैलेनर उधर काम कर रहा है, चलो यार सही है, बैलेनर उधर अकेला काम कर रहा है, उसका भी लेवल अप होने वाला है। और बैलेनर को मैं अच्छा खासा फूड खिलाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड कोई मिस मत करना, नेक्स्ट एपिसोड में मैं सारे पोकेमॉन्स का स्किल्स अपग्रेड करने वाला हूँ। ओके चलो गाइस यहाँ पर तो मैं अपना सबसे पहले वो बनाऊंगा यार, बेस बिल्ड करूंगा पाल बॉक्स को। चल बेटा टू प्लस टू स्पेशल बॉक्स फैसिलिटी कैंट बिल्ड हियर इन दिस एरिया। अरे इधर नहीं बना सकता क्या, अच्छा इधर नहीं बना सकता मैं, उधर तो बना सकता हूँ ना, उधर उस साइड में आई थिंक बना सकता हूँ मैं। अरे इधर नहीं बना सकता, इधर को नहीं बना सकता गाइस, ऊपर बनाना पड़ेगा मुझे, फिर इसको ऊपर बुलाना पड़ेगा। फॉस्टरन ऊपर तो नहीं आता है, वो अपने एरिया में रहता है यार। इधर तो मैं अपना बना ही नहीं सकता, मैं जो प्लानिंग सोच रहा था वो तो नहीं हो रहा भाई। देखो इधर नहीं हो रहा था भाई, इधर नहीं होगा, इधर नहीं बना पाऊंगा मैं। इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा भाई, ऊपर से बना सकता हूँ क्या या फिर दूर ही बनाना पड़ेगा। कहीं पे तो बन जा, यहाँ पे तो बन जा एटलीस्ट। यहाँ पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर नहीं बन रहा भाई, क्या बात है। इधर इतना दूर तो बन पाएगा, काफी दूर आके बन रहा है, मतलब इसका एक एरिया है, उस एरिया के बाहर वो बन नहीं रहा है भाई। आई डोंट थिंक वो मेरे पोकेमॉन उतना दूर जाने वाला है। देखता हूँ इसका एरिया कितना दूर कवर होता है, पहले देख लेता हूँ। इसका एरिया तो हो रहा है भाई काफी दूर तक, यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। इसके बाहर यहाँ तक नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा सा तो नीचे चला जाता है ना, तो वो ऊपर को नहीं आता है। अच्छा ऊपर बना सकता है, आई थिंक सो हम लोग ऊपर बना सकते हैं, वहाँ पे बना सकता है। वहाँ पे ऊपर एक बार ट्राई करता हूँ, वहाँ पे बनाने की ट्राई करता हूँ। रुको यस बेटा ऊपर बनाएंगे हम लोग, ऊपर आई थिंक हम लोग बना सकते हैं उसके ऊपर। शर्ट को फिर हम लोग बुलाना पड़ेगा। अरे ऊपर चढ़ना नहीं है तुझे, ऊपर जाना है भाई। अपना कैरेक्टर पता नहीं भाई कभी कभी क्या ही हो जाता है उसको। यहाँ पर बिल्ड हो सकता है क्या, यहाँ पर भी नहीं बिल्ड हो रहा है, इधर भी बिल्ड नहीं हो रहा यार, कहीं पे तो बिल्ड हो जा, इधर भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कर ही नहीं पा रहा भाई, यहाँ पे बिल्ड नहीं हो पा रहा है। उधर जा सकता है क्या, देखते हैं इधर भी थोड़ा जगह है। ओके हम लोग फ्रॉस्टलैंड को इधर बुला सकते हैं गाइस, हम लोग ना फ्रॉस्टलैंड को इधर बुला सकते हैं। ये वाले एरिया में ना पत्थर नहीं है ज्यादा, अब दिखा मुझे यार ये प्लान मुझे पहले दिमाग में आना चाहिए था यार। एक काम करता है फ्रॉस्टलैंड को ना इधर बुलाता है, रुको गाइस फ्रॉस्टलैंड को इधर बुलाता है। कहाँ गया मेरा फ्रॉस्टलैंड, कहाँ गया, उधर है फ्रॉस्टलैंड, ठीक है ना। वो दौड़ के इधर आएगा, इधर जैसे आएगा ना, इधर आ गया जैसे आएगा हम लोग इधर से उसको फाइट लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं, उधर देखो सारे पत्थर पत्थर है, बर्फीले पत्थर। तो पहले तो मैं इसके आगे सुजा को कुछ छोड़ता हूँ। चल बेटा इसको बुलाता हूँ, आ जा ले बेटा फाइट ले, आ जा आ जा, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ जा, नीचे आ जा, आ गया बेटा नीचे आ गया, अब आएगा मजा। ओ नो फ्रीज कर दिया, फ्रीज कर दिया भाई भाई भाई,
ले जा बेटा ब्लास्मुथ जा, अब मजा आएगा इसके साथ फाइट लेने में। आप देखता हूँ भाई कैसे ये मुझे मार पाता है, पत्थर की वजह से वो सारे वो हो रहा था। अरे 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 बेटा क्या हुआ, अब डर गए क्या? मार उसको जा, डरना नहीं है, दम के मारना है उसको भाई, उसको मार क्या। ये अपने ब्लास्मुथ को मार रहा है भाई, काफ़ी तेज अपने ब्लास्मुथ को मार रहा है। बच गया भाई, बच गया, मरने वाला था, अभी मरने वाला था, बच गया। यार मेरा पोकेमॉन अटैक क्यों नहीं कर रहा है, अटैक दे भाई मेरे पोकेमॉन अटैक। ओ क्या अभी दे रहा है अटैक, अभी दे रहा है भाई साहब। ओ नो ब्लास्मुथ का हालत खराब कर दिया उसने, रैगनाओ को छोड़ता है, रैगनाओ किस तरीके से अटैक देता है उसके ऊपर। बेटा अब कुछ नहीं कर पाएगा तू, तुझे तो मैं मार के रहूंगा आज। ओ नाइस नाइस रैगनाओ, नाइस नाइस अटैक, ओके नाइस अटैक। ओ नो 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 नो, रैगनाओ को भी मार देता, वो मार देगा भाई सब। सुजाकु को छोड़ता है, सुजाकु को छोड़ता है, एक एक कर सबको छोड़ने वाला है। मार सुजाकु मार, नाइस नाइस अटैक सुजाकु, 10,000 हील कर दिया उसका, 10,000 हील कर दिया। तो गाइस मैं शॉर्ट गन लेता हूं इसके आगे, रुको। वो अपना सुजाकु की हेल्थ डाउन, हेल्थ डाउन, ब्लेजर को छोड़ता है दोबारा, ब्लेजर को छोड़ता है भाई, ब्लेजर कुछ कर नहीं पा रहा है। मार ब्लेजर, ये वाला ब्लेजर क्या कर रहा है दूसरा भाई, सब देख रहा है उसको, मार भाई अभी मर जाता, ये भी मर जाता, अभी मर जाता भाई, कुछ कर भाई कुछ कर, ये भी मर गया भाई। यार सारे पोकेमॉन से अभी मेरा हालत टाइट हो रहा है, रैगनाओ के हेल्थ कम थोड़ा ज्यादा है भाई, सारे सबका हेल्थ ज्यादा वो हो गया है भाई, डाउन हो गया है। नो 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 नो, मुझे कुछ करना पड़ेगा भाई, सिंगल शॉट राइफल से मारता हूँ उसको, मेरे पास सिंगल शॉट राइफल है ना। ओके ओके, इनको भाई केक खिलाना पड़ेगा, आई थिंक केक खिलाना पड़ेगा, एक ब्लेजर को तो केक खिलाना पड़ेगा भाई। सुजाकु जा, सुजाकु जा, जा सुजाकु मार, बचा दिया अपने सुजाकु को, बचा दिया। मुझे अपने पोकेमॉन को भी बचाना पड़ेगा, उसके अटैक से बचाना पड़ेगा, मुझे भी बचना पड़ेगा, उसको भी बचाना पड़ेगा। देखो सुजाकु को बचा दिया, वो लग गया सुजाकु को, लग गया भाई सुजाकु को, लग गया। ब्लास्मुथ का हेल्थ डाउन हो चुका है, यार क्या अटैक दे रहा है ब्लास्मुथ। नो 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 नो, दे दिया भाई, दे दिया मुझे, दे दिया। एक तो इसका अटैक काफी पावरफुल है, अभी मार देता ब्लास्मुथ को, अभी मार देता वो। ब्लास्मुथ मार भाई, देख क्यों रहा है उसको, यार कोई अटैक ही नहीं दे रहा ढंग से भाई साहब। रैगनाओ का भी हालत टाइट हो गया भाई, और इसके आगे एस्ट्राकोन चाहिए था मुझे, एस्ट्राकोन कराना चाहिए था। सुजाकु का हल मार, सुजाकु मार, रैगनाओ को मार भाई, मार दिया रैगनाओ को, मार दिया इसने रैगनाओ को, मार दिया इसने। भाई 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 भाई, भाई क्या अटैक दे रहा है यार। सुजाकु को छोड़ता है इस बार, सुजाकु बचा देगा। नो 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 नो, मेरा पोकेमॉन मर रहा है, बचा दिया सुजाकु को, बचा दिया। मैं खुद मर गया भाई, मैं खुद मर गया। देखो सुजाकु को डेंजर में आ गया, सुजाकु को डेंजर में आ गया भाई। यार ब्लास्मुथ कुछ कर भाई, यार ब्लास्मुथ कुछ कर ही नहीं रहा है इसके आगे। ब्लास्मुथ मार अपना अटैक दे, यार मर रहा है मेरा ब्लास्मुथ, मर गया भाई, मर गया। नो 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 नो, इसका हेल्थ काफी जल्दी जल्दी डाउन हो रहा है। मुझे भी मार दिया भाई, मुझे भी मार दिया ऐसा लग रहा है। थैंक गॉड बच गया भाई, थैंक गॉड बच गया। अब थोड़ा सा देखते हैं ब्लास्मुथ से ये फाइट ले रहा है। सुजाकु जा भाई, सुजाकु जा, इस बार सुजाकु जा। मैं थोड़ा इनको खाना खिला देता हूँ भाई, इनको बस खाना वाना नहीं है, आई थिंक इसको खाना खिला दिया। चलो इसको खाना खिला दिया, एंड सबको भूख लगा है ना। सुजाकु का देखो, सुजाकु का भाई हेल्थ काफ़ी लो हो चुका है भाई, खाना खिलाना पड़ेगा इनको, खाना खिलाना पड़ेगा। यार मुझे फ्रीज कर दिया, मुझे फ्रीज कर दिया। नो नो नो, मार दिया सुजाकु को भी, मार दिया भाई सुजाकु को, मार दिया। काफ़ी तगड़ा पोका मैंने, दो ब्लास्मुथ लाया था भाई, कुछ काम में नहीं दे रहा है दो ब्लास्मुथ भाई। मुझे ऐसा लग रहा है चार ब्लास्मुथ लाना पड़ेगा इसके आगे भाई। यार मार दिया, मुझे ही मार देगा, 36 एचपी कर दिया यार। नो नो भाई, नो यार नो, हमें उसके लिए चार ब्लास्मुथ चाहिए गाइस, चार ब्लास्मुथ लाना पड़ेगा इसके आगे, तब जाके मैं इसको आई थिंक मार पाऊंगा। काफी ज्यादा इंटेंस मैच गया था भाई साहब, चार ब्लास्मुथ लाना पड़ेगा इसके आगे, तब जाके हम इसको मार पाएंगे। और देखो गाइस मेरे सारे पोकेमॉन्स का हाल इसने क्या कर दिया, काफ़ी दिमाग लगा के मैं इसको इस बार लाया था, बट मुझे गेल क्लो कुछ काम ही नहीं दिया। हम लोग गेल क्लो के जगह दूसरे कुछ पोकेमॉन ला सकते हैं, ठीक है। सो मैं सोच रहा हूँ इस बार ब्लास्मुथ को भाई और दो पकड़ने के लिए, उसके बाद ही मैं जाऊँगा। सो फिलहाल के लिए गाइस मैं और दो पोकेमॉन को पकड़ता हूँ, दो ब्लास्मुथ को मैं पकड़ता हूँ। और हाँ, आप लोगों को कौन से पोकेमॉन का ब्रीडिंग दिखना है वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन पर, मैं वो सारे पोकेमॉन्स को ब्रीडिंग करूंगा एंड मैक्स भी कर दूँ। सो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।